भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य क्या है? भगवान। चित क्या है? प्रकाश। कहां रहते हैं भगवान? सब में। भगवान आनंद के सागर हैं। क्या करते हैं भगवान? विश्व की उत्पत्ति पालन संहार तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के दुख होते हैं हर जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में, दैहिक दैविक भौतिक तापा। हर व्यक्ति दुखी है। अच्छा बताओ इस संसार में सुखी कौन है? आप लोग उत्तर दो। आप बताओ सुखी कौन? नहीं मालूम दादाजी? ओ मोबाइल वाले दादाजी, सबसे सुखी कौन है संसार में? हाँ? सबसे सुखी कौन है? हाँ? आप बताओ सुखी कौन? आप बताओ भैया, कोई नहीं। सुखी कौन? जिसके जीवन में बहुत इच्छाएं हैं वो सुखी है कि दुखी है? बोलो बोलो। जिसकी बहुत इच्छाएं हैं वो 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 दुखी है, और जिसके जीवन में कोई इच्छा नहीं है वो बताओ। भगवान राम के जीवन में क्या इच्छा थी? राम जी की इच्छा क्या थी? दशरथ जी ने कहा तुम राजा बन जाओ, ठीक है पिताजी। दशरथ जी ने कहा तुम वनवास चले जाओ, ठीक है पिताजी। ना तो राम जी की इच्छा राजा बनने की थी, ना तो अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके शासन करने की थी। हमारी कोई इच्छा नहीं। पिताजी ने कहा राजा बन जाना, ठीक है बन जाएंगे। वनवास भेज दिया, उसी समय चले गए। कोई शिकायत नहीं कि तुमने ये कहा था वो क्यों? नहीं नहीं, जो आप चाहो, हमारी कोई इच्छा नहीं। जीवन का, जीवन में सुखी होने के मंत्र लोग ढूंढते हैं ना, ये मंत्र हैं। इच्छाओं को समाप्त, राम जी की तरह। अच्छा माता सीता जी को फिर भी इच्छा थी क्या? माता सीता को क्या इच्छा थी बताओ? माता सीता की क्या इच्छा थी? आप बताओ, आप बताओ। अच्छा बताओ माता सीता के जीवन में इतना दुख क्यों आया? रावण उठा के क्यों ले गए माता सीता को? बोलो जरा। ओ मैया को जगाओ, सोने लगी मेरी माँ। सुना, चलो बताओ। माता सीता के जीवन में क्या इच्छा थी? राम, माता सीता के जीवन में दुख क्यों आया? आप बताओ मैया, चश्मा वाली मैया मेरी माँ। क्योंकि माता सीता के जीवन में एक इच्छा थी। क्या? मुझे सोने का मृग चाहिए। माता सीता की इच्छा क्या थी? राम जी से क्या कहा? मुझे ये सोने का, ये इच्छा थी ना। माता सीता ने इच्छा रखी कि मुझे सोने का मृग चाहिए, और उसी इच्छा के कारण माता सीता के जीवन में दुख आया। बोलो हाँ, हाँ या ना मैया? ओ पंचायती मैया, ओ भैया, ओ बोतल वाले भैया, क्या ट्रैफिक ठीक कर रहे हैं? चलो बताओ माता सीता के जीवन में दुख क्यों आया? क्योंकि उनके पास क्या थी? इच्छा थी, सोने के मृग की कामना थी, इच्छा थी, इसलिए उनके जीवन में दुख आया। रावण उठाकर ले गया। यदि माता सीता ने सोने के मृग की इच्छा ना की होती तो राम जी सोने के मृग के पीछे ना जाते, फिर लक्ष्मण जी ना जाते, तो फिर रावण ना आता, फिर रावण ना चुराता, फिर माता को रोना ना पड़ता, राम जी से दूर ना होना पड़ता। मतलब इतना जो कष्ट आया माता सीता के जीवन में, वो केवल
एक इच्छा के कारण, एक इच्छा के कारण माता सीता के जीवन में इतना दुख आया, तो सोचो आपकी कितनी सारी इच्छाएं हैं, इसलिए आप कितने दुखी रहते हैं। आपके दुख का कारण आपकी इच्छाएं हैं।